टुडे वी विल डिस्कस डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, आपको डेंसिटी की टर्म्स तो पता है. डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. अब आप यूनिट सेल की डेंसिटी क्यों निकालते हैं? क्योंकि एजेस लेंथ एक्स-रे डिफरेंशियल से निकाल सकते हैं, जेड हमें उसकी कैलकुलेशन से पता चल जाता है. ठीक है, तो बचता क्या है? डेंसिटी बचती है. कैसे निकालते हैं? अब डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी क्या होती है हमारी? जनरली डेंसिटी में बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक, तो यहां बात करनी है मास की. पहले मास की बात करते हैं. अब यूनिट सेल आप बनाओ और देखो ये कोई यूनिट सेल है. ठीक है, आपने यूनिट सेल बनाई. यूनिट सेल में क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो है भाई. ये पार्टिकल अटैच है, इन पार्टिकल को तो ऐड करके हमने एक क्यूब बना दिया है. ये क्यूब थोड़े है, तो ये तो क्यूब की इमेजिनरी लाइन है तो ये पार्टिकल सी. अब ये पार्टिकल्स जब कुछ है तो इमेजिनरी लाइन का तो कोई वेट नहीं होता. तो किसका वेट होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का. किसका वेट होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का. ठीक, अब मास क्या है? मोलर मास. यानी मोलर मास को बोल सकते हैं 6.22 × 10³ पार्टिकल्स का जो वेट होता है वो होता है मोलर मास. हमें किसका चाहिए? वन एटम का चाहिए. किसका चाहिए? वन एटम या वन पार्टिकल का चाहिए. तो वन पार्टिकल का कितना हो जाएगा? मोलर मास अपॉन 6.22 × 10³ 6.22 × 10³ किसका हो जाएगा? एक पार्टिकल्स का. अब वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है. एक पार्टिकल्स का. इतनी बात समझ में आई? तो ये तो मोलर मास हो गया. ठीक, लेकिन यहाँ पर हमें मास रखना है एटम उसका. इन जितने यूनिट सेल में क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है भाई. जितने यूनिट सेल में प्रेजेंट है वो क्या होता है? जेड होता है. तो इससे हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? जेड से. तो D इक्वल टू जेड इंटू मोलर मास. और इसको मैं 6.22 का मैं देती हूँ एन ए. हो गया, दो नंबर पता है एन ए. अब बात करते हैं वॉल्यूम की. वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ विड्थ एंड हाइट. यानी ए क्यूब जो भी आप मानेंगे, बी मानते तो बी क्यूब, तो ये होगा. अच्छा, अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आए तो देखो जनरली बात है. हमें यहाँ लेना होता है मास ऑफ वन पार्टिकल. वन पार्टिकल जनरली हम एम यू में लेते हैं और एम यू को ग्राम में जब भी चेंज करेंगे इसे डिवाइड करेंगे अब वो गैदरो नंबर से. चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप उस तरीके से कर लो, करना एक ही तरीका. तो ये फार्मूला आ जाता है. फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जनरली क्या होता है? जनरली जो होता है आपको फार्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन नहीं आता. फॉर्मूला क्या होता है? जनरली जो इसकी लेंथ होती है वो पीकोमीटर में की होती है. तो आपको क्या होता है? 1 pm = 10⁻¹⁰ cm. क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? ग्राम पर सीसी में होती है. सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब. ठीक, तो इसे कन्वर्ट करना होता है लेंथ को. तो जब लेंथ को कन्वर्ट करेंगे मोलर मास तो ऐसे ही जाएगा, एन ए भी ऐसे रहेगा. अब ए क्यूब क्या होगा? जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 10⁻¹⁰ से क्यूब है तो ए इंटू क्यूब कर देंगे 10⁻¹⁰ का क्यूब यानी 10³. फार्मूला आप एक ही याद रखिए. ठीक है, उसी से हम क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट बनाते रहेंगे. हो सकता है कोई पीकोमीटर में दे रखी हो, कोई नैनोमीटर में दे रखी हो. नैनोमीटर में क्या होता है? 10⁻¹⁹ मीटर होते हैं. तो सेंटीमीटर क्या होंगे? वो आप उससे ज़्यादा कर देंगे, कम कर देंगे. तो आपको क्या है, इसी तरह से क्या करना है? क्वेश्चंस करने, एक फार्मूला याद रखिए. कन्वर्ट हम धीरे धीरे करते जाएंगे. ठीक, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है. पहला न्यूमेरिकल करते हैं. इससे न्यूमेरिकल पेपर में डेफिनेटली आता है. इससे पेपर में डेफिनेटली न्यूमेरिकल आता है बच्चा. यही जो चैप्टर में एक दो थ्योरी और जो न्यूमेरिकल है पक्का डेंसिटी पर आता है. हर बार आया है आज तक इस साल. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है. एन एलिमेंट हैविंग अ एटॉमिक मास 52 अकर इन बीसीसी एजेस लेंथ 2888 pm. डेंसिटी इक्वल टू 7.2 g/cm³ और आपको एवोगैड्रो नंबर यानी एन ए फाइंड करना है. फॉर्मूला लगा दीजिए. डी इक्वल टू क्या? जेड. ये एटॉमिक मास के लिए मोलर मास हो गया और ये क्या हो गया आपका? ए क्यूब इंटू एन ए. तो डेंसिटी आपको 7.2 दे रखी है. जेड कितना होगा बीसीसी के लिए? 2. मोलर मास कितना है? 52. ए क्यूब किस में दे रखी है? पीएम में दे रखी है. कन्वर्ट करने के भाई 2888 का क्यूब और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻¹⁰ से. तो क्यूब करके कितना आ गया? 10³⁰ और एन ए. तो आप एन ए क्या कर लेंगे? इससे एन ए आप फाइंड कर लेंगे. सारा क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन लिखती हूँ मैं आपके सामने. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है. एन एलिमेंट हैविंग अ एटॉमिक मास 60 हैज
एफसीसी ए कितना देर का एचएस लेंथ देर के 400 पिकोमीटर और डेंसिटी फाइंड करनी है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या है, जेड एम अपॉन ए क्यू इनटू एन ए। डेंसिटी हमें फाइंड करनी है, जेड कितना होगा एफसीसी देर का 4 मोलर मास 60, ए कितना है 400 पिकोमीटर, फिर पिकोमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे 10 की पावर माइनस 10 का क्या करके स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर सॉरी क्यूब किया, और एन ए कितना होता है 6.22 इंटू 10 की पावर 23। तो कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी आपकी आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन एफ सी सी, एजेस लेंथ इज 200 पिकोमीटर, डेंसिटी फाइंड करनी है। इफ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन 24.10 की पावर 23 एटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, तो कैसे करना है क्वेश्चन। इसको करने के दो मेथड है, पहले मैं पहला मेथड बताती हूँ। मैं देखो इन्होंने दे रखा है 200 ग्राम में 24 इंटू 10 की पावर 23 एटम है, तो 24 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वेट कितना है 200 ग्राम। ठीक, हमें कितने एटम का निकालना है, हमारे एक एटम का निकालना है या अवोगैड्रो नंबर का निकालना है, तो 200 ऑन 24 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 6.22 इंटू 10 की पावर 23 मोलर मास निकल गया, ये हमारा आगे मोलर मास फॉर्मूला लगाते हैं, डी इक्वल टू जेड, डी इक्वल टू जेड एम ए क्यू इंटू एन ए। ठीक, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एलिमेंट एफ सी सी में जेड की वैल्यू 4, अब एम की वैल्यू कितनी होगी, एम ये रहा पूरा 200 अपॉन 24, मैंने सॉल्व क्यों लिखा आगे पता चलेगा तुम्हें, इंटू 6.22 इंटू 10 की पावर 23। ठीक बच्चा, अब इसके बाद ए क्यू कितना है 200 पिकोमीटर, तो इसे चेंज कर लेंगे 200 इंटू 10 की पावर माइनस 30 सेंटीमीटर में आ गया, और एन ए 6.22 इंटू 10 की पावर 23, मैंने इसलिए सॉल्व किया था एन ए से एन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू 4200 लिख दीजिए पहले 4200 अपॉन 200 इंटू 10 की पावर माइनस 30 24 इंटू 10 की पावर 23। डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, एक तो ये तरीका था कितना बड़ा करने का, एक तरीका बहुत छोटा सा था, मैं ऊपर का रब कर रही हूँ नीचे का नहीं दूंगी। अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है, ठीक, अगर मैं इसमें मोलर मास रखती हूँ तब एन ए रखती हूँ, अगर मेरे को पता है किसी और एटम का वेट पता है मुझे और उसकी पार्टिकल पता है तो डायरेक्ट नहीं ले सकती मैं, भाई जेड मेरा 4 है, अगर मैं मोलर मास 200 को कर लूँ, इसमें एज्यूम कर लूँ 200 है, भाई मोलर मास होता है किस पार्टिकल पे 6.22 इंटू 10 की पावर 23 पर, ये वेट कितने पार्टिकल पे, मैं उसी पार्टिकल का वेट रखती हूँ नीचे 24 इंटू 10 की पावर 23 एन ए की जगह, और ए क्यू की जगह वही 200 इंटू 10 की पावर माइनस 30 में डायरेक्ट कर लेते क्वेश्चन, नहीं बात समझ में, मैं क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट कर सकती हूँ, मेरा फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन ए, यानी मोलर मास में जो पार्टिकल होते हैं वो एन ए होते हैं, मोलर मास में जो पार्टिकल होते हैं वो एन ए होते हैं, अगर मैं तो मुझे कोई और वेट पता है उसमें पार्टिकल पता तो मैं वही से सकती हूँ, मोलर मास की पार्टिकल है एन ए, अगर मुझे ये वेट पता है तो इसके पार्टिकल कितने हैं 24 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल, तो मैं डायरेक्ट रखती हूँ ना, भाई मोलर मास रखती तब एन ए रखना जरूरी था, अगर मैं वेट कोई और रखती तो उसी के पार्टिकल रख लूँगा, तो मैंने वेट कोई और रखा उसी के पार्टिकल, अगर मेरी बात तरह से मतलब गलत होगी तो देखो फॉर्मूला भी यहाँ कट के भी पुराना जो फॉर्मूला है वो यही बन गया 4 इंटू 200 10 की पावर माइनस 30 इंटू 24 इंटू 10 की पावर 23, तो वही आया फॉर्मूला, चाहे आप डायरेक्ट करो चाहे पूरा बना के करो आना वही फॉर्मूला। अब मैं एक इंडेक्स का क्वेश्चन बोलती हूँ, इंडेक्स का क्वेश्चन है 1.36, इंडेक्स का क्वेश्चन है 1.36। ठीक, 1.36 कहते हैं एलिमेंट विद अ मोलर मास 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 केजी, मोलर मास कितना दे रखा है बच्चा हमें, इंडेक्स का क्वेश्चन है, इंडेक्स का 1.36। ठीक, 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 केजी, केजी पर मोल डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, फॉर्म अ क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ, यानी ए है हमारे पास
4.05 PM, ठीक। और डेंसिटी दे रही है 2.7 × 10³ केजी पर मीटर क्यूब, केजी मीटर का। व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल, व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल, हमें नेचर ऑफ यूनिट सेल जेड, और इसके ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, नेचर ऑफ यूनिट सेल बताना है यानी जेड बताना है। नेचर, नेचर का मतलब जेड नहीं है, नेचर का मतलब है एफसीसी है, बीसीसी है या एससीसी है, नेचर का मतलब ये है। लेकिन इसे बताने के लिए हमें जेड पता होना चाहिए, इसलिए हम पहले जेड निकालेंगे। इसलिए पहले हम क्या निकालेंगे, जेड निकालेंगे। तो डेंसिटी हमें कितनी है, 2.7 केजी में रखिए, कोई बात नहीं केजी में काम करते हैं। मोलर मास में केजी में ऐसे चेंज करने की जरूरत है, जेड हमें फाइंड करना है। मोलर मास है 2.7 × 10⁻²। अब ये पिकोमीटर है, इसे किस में चेंज करना होगा, मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए याद करो, सेंटीमीटर में तो होते 10⁻¹, मीटर में होता है 10⁻²। ठीक, तो इसे क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे और 10⁻²² का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 × 6.22 × 10⁻²। इसे सॉल्व करेंगे, जेड की वैल्यू आ जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे आपकी जेड की वैल्यू आएगी 3.3 something, 3.899। तो लगभग लगभग इसकी कोई वैल्यू नहीं, लगभग लगभग 4 की हुई। तो नेचर क्या हो गया, हमारी जो सेल है वो क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। ठीक, बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंडेक्स का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने मेरे इंडेक्स का करा दिया। ठीक, इसके बाद मैं आपको और क्वेश्चंस कराती हूँ। क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बोलती हूँ आपको, एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.3, एग्जांपल 1.3 क्या है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज बीसीसी, बीसीसी का मतलब 2, एजेस लेंथ 288 PM, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है, एटॉमिक मास निकालना है यानी एम निकालना है, क्या निकालना है, एम निकालना है। ठीक, 1.3 एग्जाम्पल मैंने बताया, ये तो मैंने इंडेक्स कराया, वो एग्जाम्पल बता रहे हैं। ऐसे 1.4 करना है, 1.5 करना है। ठीक, एग्जाम्पल बता दी, 1.4, 1.3 और 1.5 नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं इंडेक्स में, इंडेक्स का 1.36 मैंने करा दिया आपको। ठीक, आप एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज का 1.5 हो गया, 1.11 क्या है, सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी, एफसीसी मतलब 4, एजेस लेंथ दे रखी सेंटीमीटर में दे रखी है, डेंसिटी भी दे रखी है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, आराम से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1.12, उसके बाद है क्वेश्चन 1.13, ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 1.13, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.13 नायोबियम का। नायोबियम इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एक्सरसाइज का है 1.13, नायोबियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड सेल, इट डेंसिटी इज 8.55 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और बीसीसी में तो जेड इक्वल टू 2, और कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, आर कैलकुलेट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, आर कैलकुलेट करिए, आपको पता है आर के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए कैलकुलेट करना होगा। तो डेंसिटी इक्वल टू जेड, और मोलर मास दे रखा है इसमें, मोलर मास और नायोबियम दे रखा है 23, यू आपको कन्वर्ट करना आता है, यू में दोनों साइड अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड होगा, ए आ जाएगा, मोलर मास अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। जिसको ये ना आते हो यू और ए वाले, 11th क्लास की बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो आएगी उसमें देख लेना यू और ए को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, जेड इक्वल टू कितना होगा 2, मोलर मास कितना है 93। ठीक है, एजेस लेंथ हमें ए क्यू निकालना है, एन ए क्या होगा 6.22 × 10⁻², और डेंसिटी कितनी दे रही है हमें बच्चा 8.55, तो जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा सेंटीमीटर में, 3.305 × 10⁻¹ सेंटीमीटर। अब बीसीसी के लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है,
आर ए इक्वल टू क्या होता है, 4 आर अंडर रूट 3, आर इक्वल टू क्या हो गया ए रूट 3 अपॉन 4, ए की वैल्यू रखो 3.305 × 10⁻¹⁸, इसकी वैल्यू 1.73 और 4, कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.431 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, पिकोमीटर में कहेंगे तो चेंज कर लेना आराम से हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.15, कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी विद एजेस लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, कैलकुलेट द डेंसिटी, और कैलकुलेट आपको डेंसिटी करनी है और उसकी वैल्यू दे भी रखी है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आप डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है, वो जो वैल्यू आएगी, जो आपको वैल्यू दे रखी है वो उसके इक्वल आती है नहीं आती आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो 1.15 के बाद है 1.24 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक, और इट मेटेलिक रेडियस 1.25। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करूंगी क्योंकि इसमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी, वो भी मैंने कराई नहीं, क्लोज पैकिंग तो आप कर नहीं पाएंगे। इतने क्वेश्चन आप डेंसिटी से रिलेटेड करिए, ठीक है, इसमें आज आपका कितने कितने टॉपिक क्लियर हो गए आपके। सबसे पहले हमने सॉलिड की बात कर ली, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन थ्योरी के क्वेश्चन हो गए, यूनिट सेल के पैरामीटर्स पढ़ लिए, टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ ली, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लिया हमने। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आर यानी कि लगते हैं रेडियस और एजेस के बीच में रिलेशन पढ़ा, वो भी हमने कर लिया। उसके बाद हमने इंटरनिक डिस्टेंस के बीच में भी रिलेशन पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ी पैकिंग एफिशिएंसी, कितनी पैकिंग एफिशिएंसी, उसके बाद हमने पढ़ा यूनिट सेल की डेंसिटी, और डेंसिटी पे क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, और उसे न्यूमेरिकल सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। कभी किसी फॉर्म किसी बार कहेंगे डेंसिटी निकालो, किसी बार ज्यादातर ये कहते हैं नेचर ऑफ सेल, बच्चे नेचर में कंफ्यूज होते हैं। अगर नेचर का है, नेचर का मतलब है एफसीसी है बीसीसी है, सिंपल है, उसके लिए आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा जेड, और जेड फाइंड करते थे तो आप बता दोगे। कभी कभी मोलर मास कहते हैं, कभी एजेस लेंथ कहते हैं, कभी एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और कभी मैंने आपको बताया था वो दूसरे आइटम वाला, मतलब आपको ये और ये वैल्यू दे रखी होती है, आप चेंज भी करना चाहो चाहे डायरेक्ट फॉर्मूले में करना चाहो। तो ये सब इसके बारे में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा बड़ा रीजनिंग नहीं है, बहुत बड़ी रीजनिंग हो रिजोल्यूशन में आगे के पीछे बहुत सारी, सिंपल चैप्टर है, जितना है उतना ही पढ़ो, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें न्यूमेरिकल है, बायोलॉजी, तो इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो। देखो न्यूमेरिकल करने से क्या फायदा होगा, पहले तो आपको फॉर्मूला याद कर लो, आधा नंबर फॉर्मूले का, आधा सही वैल्यू पुट कर दोगे आपको सही मार्क्स मिल जाएंगे, और ये आपका ऐसा चैप्टर है बोनस मार्क्स, जो मतलब बच्चे चार नंबर, हर बच्चे की इतनी बार कॉपी चेक करिए, इस चैप्टर में नंबर नहीं करते बच्चों के, चार नंबर के चार नंबर आराम से मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़िए, ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू।